हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं खेतरी फोर्ट, और जो खेतरी फोर्ट है वो है हमारे गांव से करीबन 30 किलोमीटर शायद या 20 किलोमीटर दूर। और अभी मैं वॉक करते करते आ चुका हूँ, पूरे 1 या 2 किलोमीटर यहाँ पे आ चुका हूँ, और 4 किलोमीटर बाद ये मेन रोड स्टार्ट हो जाएगी जहाँ से हमें बस मिलेगी। उसके बाद हम यहाँ पे बस लेके जाएंगे खेतरी, और उसके बाद खेतरी फोर्ट पे। और तब तक के लिए आप मेरे गांव के कुछ सिनेमेटिक्स यहाँ पे इंजॉय करना, और जब तक आप जितने यहाँ पे सिनेमेटिक इंजॉय करोगे तब तक मैं खेतरी फोर्ट के आसपास यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के स्टैंड पर, और अभी इंतज़ार कर रहे हैं बस का। और मुझे थोड़ी बहुत भूख भी लग रही है, और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े बहुत गोलगप्पे मैं खा लूँ। तो चलिए पहले गोलगप्पे खा लेते हैं, उसके बाद बस का इंतज़ार करते हैं। तो गाइस, जो पिछली बस थी वो तो निकल चुकी, पर अभी यहाँ पर नई बस आ चुकी है, तो इसमें हम जाने वाले हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा भीड़ यहाँ पर अभी नहीं है, तो इसी में अभी चलेंगे। तो फाइनली गाइज, हम लोग उतर चुके हैं बस से, और अभी ये जो खेतरी का मतलब हॉस्पिटल है, खेतरी हॉस्पिटल, वहाँ से अभी रास्ता है। और ये रास्ता है, यहाँ पे देखना, इसके आगे वहाँ पर एक रास्ता है, वो 7 स्टार होटल है शायद, इसीलिए मतलब वो होटल्स है। पर उसका गेट है ना एकदम ऐसे बना रखा है जैसे कि यार वो गढ़ का गेट हो। पर अभी चलते हैं, देखो ऊपर बहुत सारी हमें चढ़ाई करनी है, ट्रैकिंग बहुत सारी है, तो पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। सो गाइज, हम लोग 400-500 मीटर ही आए हैं अभी, और यहाँ से नज़ारा देखो, व्यू कितना मस्त लग रहा है। और यहाँ पे दो रास्ते, 400-500 मीटर आने के बाद यहाँ पे दो रास्ते डिवाइड है, पर हमें जाना है इस साइड। हम भी अभी यार पूछ पूछ के जा रहे हैं। बहुत सारे बंदे यार बाइक के साथ भी आ रहे हैं, और अगर आप बाइक लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। मुझे पता नहीं था कि बाइक भी ला सकते हैं क्या, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ इसीलिए। और इतनी ऊंची चढ़ाई है यार, पूरी जान निकल गई है, थक चुका हूँ। और अभी देखो 40% के आसपास बचा हुआ है। तो गाइज, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं खेतरी फोर्ट पे, और ऊपर से अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का व्यू मिलेगा, जहां पर एकदम खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा यहां पर। और फाइनली अब हम यहां पे पहुंच चुके हैं। और एंट्रेंस गेट यहाँ पे देख लो, रिपेयर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब फोर्ट के अंदर जाने के बाद ही पता लगेगा मतलब किस एरिया में यहाँ पे हमें जाने देते हैं और किस में रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, सब लोग यहाँ पर अपनी स्कूटी चला रखे हैं, तो आप भी अगर अपनी गाड़ी से आना चाहें तो आ सकते हो। और ये है खेतरी फोर्ट का वो
गेट, यहाँ पे देखो भाई कील वील ये सब लगा रखी है यार। ये काम बेकार लगते हैं, लोग अपना नाम लिख जाते हैं यहाँ पर। ये हमारी हिस्ट्री है उसको ऐसे मतलब खराब कर रहे हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। लोग आते हैं यहाँ पर और ये सब करके चले जाते हैं। और वहाँ पर है खेतरी फोर्ट का व्यू जिसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। और ये मैप है यहाँ पे, इस मैप के थ्रू आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है। रास्ते में आपको ये देखो ये मंदिर भी मिलेगा। सो गाइस ऊपर चढ़ने के बाद भी आपको इतना ऊपर आना पड़ता है। देखो क्या मतलब सोच के बनाया था बंदे ने फोर्ट, कि कोई अगर मान लो सेना वेना घुस भी आए तो कुछ इस तरीके से उसे ऊपर और आना पड़ेगा जिससे मतलब वो अटैक कर सकते हैं। और अभी तो मतलब ये कुछ केयर टेकर्स के यहाँ पे घर वर बन रखे हैं तो केयर टेकर केयर करते हैं। और यहाँ पे जगह जगह मतलब खंडर हो चुका है सारा एरिया, पर इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो बहुत दूर तक फैली हुई है। और ये एरिया पता नहीं इन्होंने नया कुछ बना दिया है कि नीचे से कुछ देखने के लिए अच्छा लगे गवर्नमेंट ने, मतलब टूरिज्म को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए। पर ये है जो कि मेन फोर्ट है। सो अभी कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि यार अंदर अभी नहीं जाने दे रहे, बंद कर रखा है। और देखने में काफ़ी डरावना सा लग रहा है यार, मेरे को तो लग रहा अभी नहीं है कि हम अंदर अकेला जा भी पाऊंगा कि नहीं। देखो यार अगर आप इस एरिया में मतलब ऐसी सिचुएशन में अकेले फंस जाओगे तो आप अंदर जाओगे नहीं जाओगे, मेरे को तो डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई झांक रहा है इन खिड़कियों में से, पास में जाके अगर मैं दिखा पाऊंगा तो आई होप कि कुछ बुरा हमारे साथ नहीं हो। हाँ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई इस एरिया में, देख रहे हो कोई भी नहीं है मेरे अलावा। एक दो गाड़ियाँ आई थी, वो इसीलिए बंदे लोग अपनी गाड़ियों से आते हैं कि तुरंत निकला जाए, पर मैं यहाँ पे पैदल आया हूँ। तो यहाँ पे देखो यार पूरा तो मेरे को डर लग रहा है एकदम, इतनी दूर हम लोग आ चुके हैं, पता भी नहीं है कोई होगा भी नहीं होगा अंदर। जितना दूर जा सकूँगा यार मैं चले जाऊँगा, इतनी काफ़ी भीड़ भी नहीं है, कोई दिख भी नहीं रहा, मुझे लगता नहीं है कि मुझे अंदर जाना चाहिए। और जाना चाहिए। ये है हमारा खेती फोर्ट, कोई नहीं है यार अंदर। अगर मान लो मेरे साथ कुछ हो भी जाए तो अंदर कोई भी आएगा नहीं हेल्प करने के लिए। सोचा मुन्ना राजा मुन्ना पूरे एरिया में मैं अकेला हूँ और कोई भी नहीं है। वहाँ पे कुछ भाई आ रहे हैं लग रहा है, अगर वो आते हैं मैं इनका इंतजार करता हूँ, अगर आते हैं तो हम लोग साथ में जाएंगे। सो गाइस यार अभी मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि अंदर मेरे को किसी ने बताया कि अभी जो यहाँ पे केयर टेकर, उन्होंने बताया कि ये जनवरी से बंद कर दिया गया है
क्योंकि अभी मतलब इसको इसका सर्वे हुआ था, तो ये मतलब इसकी दीवारों पे कुछ इंस्पेक्शन हुआ तो बताया गया कि कभी भी मतलब गिर सकते हैं, तो उन दीवारों को अभी रिपेयरिंग होना है। और पीछे आप देख रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि गवर्नमेंट ने बनाया, पर गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, इसे बनाया है राजा ने रानी के लिए, और इसे बोलते हैं रानी महल। और जो इनका पहला महल था जो नींव रखी गई थी, वो थी ये वाला जो केटेकर रूम बता दिया था मैंने। और उसके बाद यहाँ पे है राजा का मेन महल और मेरे पीछे है रानी महल यहाँ पर। और इस पूरे एरिए में कम से कम 6 या 7 मंदिर हैं, और कुछ मतलब गढ़ के बाहर भी हैं और कुछ गढ़ के अंदर भी हैं। तो यार इतना मतलब ज़्यादा मंदिर भी है यहाँ पे, और सारे एरिए को मतलब अभी रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मतलब थोड़ा टूरिज्म बढ़े इस एरिया में। और अभी तो ये देखो यार, मेरे को काफ़ी डरावना सा लग रहा था ये, और अंदर मतलब रास्ता भी आगे ब्लॉक कर रखा, पर इस वाले में भी अभी कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है जस्ट अभी, पता नहीं इसे कब खोलेंगे, कब इसको मतलब टूरिस्ट के लिए अलाउ करेंगे। सो गाइज, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अलविदा लेते हैं इस किले की दीवारों से, किले के गेट से। और आई होप कि आपको यार ब्लॉग अच्छा लगा हो, बताओ तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। झूमे रे झूमे सजनी डलती डलती रात माँ, झूमे रे झूमे सजनी डलती डलती रात माँ। सजनी ओढ़नी बा